हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम एक्स एन जी यू एस और नेचुरल गैस फ्यूचर्स के इंटर मार्क करते हैं हमारा डिसेसट लेवल यहाँ से आप देख सकते हैं टूटा जैसे ही टूटा मार्केट ने फर्स्ट टारगेट हिट किया और इस टारगेट ने मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया है मार्केट ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाने की कोशिश करी लेकिन हमारा जो अपर डिसेसिव लेवल है उसने मार्केट को होल्ड कर रखा मार्केट को बिल्कुल भी अपसेट का मूव नहीं लेने दिया और देखिए हम चीज हमने डिस्कस भी करी थी कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रखी है और उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया है और ट्रेंड लाइन टूटने की वजह से हमें नेगेटिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेगेटिविटी देखने को भी मिली है तो अगर टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली मार्केट ने काफी अच्छे से रिस्पांस दिया है और जिस तरह का रिस्पांस एक्सपेक्टेड था वैसा ही दिया है लेकिन अगर फंडामेंटली बात करें तो देखिए नेशनल वेदर सर्विस ने फोकास्ट किया है कि अगले छः से दस दिनों तक जो वेदर है वो थोड़ा वार्म रह सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर एक नेगेटिविटी देखने को मिली है लेकिन अभी जो आ, हम काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि एक हरिकेन है हरिकेन मिल्टन है उसकी तूफान की वजह से जो यहाँ पे सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो रखी है और सप्लाई ना होने की वजह से मार्केट यहाँ पे अच्छा मूवमेंट ले रही थी तो काफी दिनों से मार्केट यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट लेती हुई नजर आ रही है अपसाइड पे आप देख रहे हैं लेकिन आ, यहाँ पे रीजंस reasons... मल्टीपल रह रहे थे एक रीज़न ये रह रहा था कि भी सप्लाई कट हो रही थी क्योंकि हरिकेन की वजह से तूफान की वजह से मार्केट सप्लाई नहीं कर पा रही थी और डिमांड स्टेबल और या फिर बढ़ने की वजह से प्राइसेस यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली बढ़ते जा रहे थे लेकिन अभी हरिकेन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पावर सप्लाई बीच बीच में आ रही है सप्लाई हो रही है और इसी की वजह से नेचुरल गैस की सप्लाई भी यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है यहाँ पर डिमांड जैसे जैसे फुलफिल हो रही है वैसे वैसे यहाँ पर प्राइसेस हमें नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है, डिमांड और सप्लाई की यहाँ पर यूज हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिली है तो आ, वेदर की वजह से वेदर में गर्माहट बढ़ने की वजह से यहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिली है और दूसरा रीजन इसका हरिकेन रहा है तो ये रीजन है तो रीजन हमें पता होने चाहिए जैसे जैसे हमें ट्रेड में प्लान करते हैं हमें अगर कोई मूवमेंट देखने को मिलता है तो हमें इस मूवमेंट के पीछे का रीजन पता होना चाहिए चाहे वो टेक्निकल मूवमेंट रीजन हो या फिर फंडामेंटल uh, कोई रीजन हो लेकिन रीजन होना चाहिए और रीजन हमें पता भी होना चाहिए तो ये आपको मैं रीजन बता रही हूँ यहाँ पर कि यह रीजन किस वजह से यहाँ पर मार्केट नीचे गिरी है तो अभी हम कल के लिए मार्क करते हैं दो लेवल्स हमें मार्क करने होंगे यहाँ पर 2.991 ये हमारा एक डिसेसिव लेवल रहेगा बाई साइड के लिए, सेल साइड के लिए हमारा डिसेसिव लेवल रहेगा अराउंड 2.953. सेल साइड का कुछ ट्रेड एक्टिवेट होता है तो 2.944, 2.925, 2.900 हमारा टारगेट रह सकता है. थोड़ा सा हिस्ट्री चेक करेंगे, हमारे पास स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा. टू पॉइंट नाइन फाइव थ्री जो हमारा लोअर डिसेसिव लेवल है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है इससे भी स्ट्रॉन्ग टू पॉइंट नाइन फोर फोर पर हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिला है तो यहाँ पे देखिए ये रजिस्टेंस क्रिएट हुआ लेकिन अभी यह सपोर्ट देखने को मिलेगा हमें ठीक है तो जो पुराने रेजिस्टेंस होते हैं वो अब सपोर्ट का काम करेंगे और जो पुराने सपोर्ट रहते हैं वो अब रीज़न हमारे लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकते हैं ठीक है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो पिछले जितने भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वो हमारे सपोर्ट बन का, का, का काम करना शुरू कर देंगे ठीक है तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है आप देखिए अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो सपोर्ट ही लेगी अगर ऊपर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस लेगी तो जितने भी लेवल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ऊपर की तरफ जाते हुए वो सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे तो ये हमारे सेल्सर के टारगेट्स हमने रख लिए अब हमें मार्किंग करनी है बाई साइड के लिए बाई साइड के लिए हमारा लेवल अगर ब्रेक होता है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमें मिलती है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि विक छोटी होनी चाहिए और बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए तो ऐसी कैंडल हमें मिलती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा थ्री पॉइंट जीरो जीरो सेवन थ्री पॉइंट जीरो वन सेवन थ्री पॉइंट जीरो थ्री एट थ्री पॉइंट जीरो फोर नाइन ये रहेंगे हमारे बाई साइड के टारगेट्स इनको आप मार्क कर लीजिए और ये देखिए ट्रेन लाइन टूटी है काफी स्ट्रॉन्गली नीचे गिरी भी है मार्केट और भी ज्यादा गिरने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर अभी लग रही है ठीक है तो ये आ, लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अब हम बात कर लेते हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स की नेचुरल गैस फ्यूचर्स पे शिफ्ट करते हैं फ्यूचर्स ओपन करेंगे यहाँ पर यहाँ पर भी देखिए ट्रेड एक्टिवेट हुआ मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे ही गिरती रही है देखिए एक कैंडल है बेरिश कैंडल मिली है मार्केट ने थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करी लेकिन ये जो गैप बन जाता है ना ये गैप को फिल करना मार्केट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अब ये गैप ही जो है मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देगा ठीक है तो अब हमें सबसे पहले ये मार्किंग सीरीज कर लेते हैं नए मार्किंग्स हम करते हैं हम यहाँ से हमारे मार्क करने होंगे रीजंस सेम रहे हैं जो रीजंस हमने अभी डिस्कस करे के लिए सेम रीजंस रहे हैं और ये जो लेवल आप देख रहे हैं टू ट्वेंटी फोर का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है ये ट्रेंड लाइन रेस कर देते हैं अब हम ये लाइन अभी हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि टूट चुकी है ठीक है और इसकी लो पर मार्केट आ भी चुकी है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा हमारे पास टू ट्वेंटी एट पॉइंट एट आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है तो ये जो लेवल है इसको हमें मार्क करना होगा एज डिसिव लेवल ये ब्रेक होगा तब हम सेल साइड पे ट्रेड प्लान करेंगे अदरवाइज हम सेल साइड पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे तो ये ब्रेक हुआ तो टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट एट टू ट्वेंटी फोर पॉइंट टू टू ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री और टू एटीन पॉइंट थ्री ये हमारा सेल साइड का टारगेट रह सकता है बाइक साइड की अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा टू थर्टी वन पॉइंट थ्री टू थर्टी थ्री पॉइंट टू टू थर्टी फाइव पॉइंट वन और टू थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन देखिए अगर टेक्निकली बात करें तो स्ट्रॉग सपोर्ट बना हुआ है लेकिन अगर फंडामेंटल्स की बात करें न्यूज़ फैक्टर्स की बात करें तो नेगेटिविटी मार्केट में अभी भी छाई हुई है ठीक है तो हमें डिसेसिव लेवल्स के ब्रेक होने का वेट करना होगा उससे पहले हम कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे और कोशिश कीजिए अगर डिसेसिव लेवल टूटता भी है तो अब स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करें स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मिलेगी नेचुरल गैस फ्यूचर्स में तब हम इसमें इजीली ट्रेड प्लान कर पाएंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और चांसेस बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अगर हम किसी भी साइड का ट्रेड प्लान करते हैं तो तो इसी के साथ आप हमारे डाटा एनालिसिस की वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा और अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सनेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एक्सनेस का अकाउंट ओपनिंग का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी ऐड कर दिया है उस लिंक के थ्रू आप ईजिली अपने अकाउंट को ओपन कर पाएंगे और किस तरह से अकाउंट ओपन करना है किस तरह से अकाउंट में फंड्स ऐड और विड्रॉ करने हैं ये सारी इंफॉर्मेशन के जो वीडियोज़ हैं हमने एंड स्क्रीन पर ऑलरेडी ऐड कर दी हैं आप उनके थ्रू अपने अकाउंट में फंड्स ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मार्क्स एंड प्रॉफिट अर्न कीजिए ओके इन्वेस्टर्स बाय एवरीबडी टेक केयर एंड नाइट